हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। मैं जो प्रीवियस वाली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना सीखा था, इस वीडियो में हम 21 और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने पहले की वीडियोज नहीं देखे जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपस में को रिलेटेड है। जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन जो मैंने बताया था ना, उसी टाइप से ये भी बनेगा, बस थोड़ा सा वहाँ पर फर्क था। यहाँ पर हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। और बाकी जो मैंने प्रीवियस वीडियोज बनाया है या जो मैं आगे की वीडियोज बनाऊंगा, उन सभी के जो आपको वीडियो का लिंक है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि इफ 1 सेंटीमीटर का क्यूब ऑफ आयरन का कास्ट आयरन वेट 21 ग्राम, यानी 1 सेंटीमीटर का क्यूब अगर हमारे पास आयरन है तो वो 21 ग्राम का है। तो फाइंड द वेट ऑफ ए कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ ए बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर इन विच द थिकनेस ऑफ मटेरियल इज 1 सेंटीमीटर। यानी हमसे बोल रहा है कि एक हमारे पास आयरन का पाइप है, ठीक है, होगा तो वो इस तरीके से कुछ पाइप है, तो यानी कि पतला सा होगा, जिसके अंदर बोल रहा है कि वो बोर है, इसका मतलब होल है। ये होल का जो थिकनेस बोल रहा है, सॉरी यानी ये जो होल है टोटल ना, ये 3 सेंटीमीटर का है। ओके, अब हमसे बोल रहा है कि इसकी जो लेंथ है टोटल वो 1 मीटर की है, और जो यहाँ पर बीच में जो सामान लगा हुआ है ना, जो थिकनेस है इस सामान का, ये हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको शायद ऐसे देखकर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में इसके एग्जांपल समझाया था कि होलो सिलेंडर हमारा होता है क्या है। एक्चुअल में अपने को इस मटेरियल का, देखो पाइप जो रहेगा ना उसके बीच में तो पूरा खाली रहेगा, तो अपने को इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है। हमको ये पता करना है कि ये कितने सेंटीमीटर का क्यूब है, फिर हम लोग क्या करेंगे उसका जो वजन है वो पता कर सकते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का क्यूब का वजन अपने को दिया हुआ है। तो अब इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंदर से लेकर के बाहर तक यानी कंप्लीट जो हमारा वॉल्यूम है वो निकालते हैं, और फिर ये जो खाली वाला पार्ट सर्कल दिख रहा है आपको ना, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। फिर कंप्लीट वॉल्यूम में से ये सर्कल वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो ये मटेरियल का वॉल्यूम हमको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको कॉपी में सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा जल्दी से। एक इस तरीके का हमारे पास पाइप है, इसके अंदर में जो होल है ना वो टोटल 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये जो गड्ढा है जो होल कहते हैं हम लोग, या कह लो डायमीटर जो अंदर वाले सर्कल की है जो खाली है वो 3 सेंटीमीटर का है। उसके बाद बोल रहा है जो मेटल है हमारे पास उसका जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो मेटल होगा ये पूरा क्या मटेरियल वाला पार्ट है, ठीक है, ये पूरा भरा भरा पार्ट है, ये बीच वाला खाली पार्ट है, हॉलो पार्ट है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर का है। जो इसकी लेंथ है वो हमारी 1 मीटर है, और 1 मीटर हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, हम इसको सेंटीमीटर में सॉल्व करेंगे क्योंकि हमको जो वेट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का क्यूब का दिया हुआ है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर अपने को ये मटेरियल वाला जो पार्ट है इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट वाले वॉल्यूम से माइनस कर देंगे यहाँ पर छोटे वाले वॉल्यूम को, यानी हॉलो पार्ट को हमारा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम है इस पाइप का, उसे हम लोग इंटरनल वाले वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, है ना, जो मटेरियल है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपने कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल पाइप में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इंटरनल पाइप को। ओके, तो अब एक्सटर्नल पाइप का वॉल्यूम निकालने के लिए भी क्या फॉर्मूला है, उसके लिए भी वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि हमारा सिलेंडर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक्सटर्नल है तो इसके जो हमारे पास रेडियस वगैरह होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग कैपिटल आर का यूज करेंगे। और एच यहाँ पर मैं गलती से कैपिटल लिख दिया हूँ, अगर यहाँ पर मैंने कैपिटल लिखा तो इसमें मैं कैपिटल ही लिख दूंगा इस तरीके से, क्योंकि अंदर वाला अगर अपन यहाँ पर निकालें तो इसमें भी हमारा पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा, दोनों की हाइट जो है वो सेम है, इसलिए आप अगर स्मॉल एच से डिनोट करोगे तो दोनों को स्मॉल एच लिखना, और अगर आप कैपिटल एच गलती से लिख दो तो दोनों को कैपिटल एच कर देना, ठीक है। अब हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले तो देखो पाई और पाई दोनों में मिल रहा है, एच और एच दोनों में मिल रहा है, तो पाई और एच को यहाँ से बाहर निकाल दो, ब्रैकेट के अंदर आर का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से ये आर निकालना ही मेन है, इसमें बच्चे लोग कई बार कन्फ्यूज होते हैं, पाई का वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूँ क्या या फिर बाद में पुट करूँगा, चलो कर ही देता हूँ, 22/7 यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास कितनी है 100 सेंटीमीटर है तो 100 लिख दो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पहले लिखोगे, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए पहले इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमको निकालना कैसे है, हमको जरूरत पड़ेगा कैपिटल आर का, कैपिटल रेडियस का, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो सेंटर से लेकर के पूरा यहाँ तक जो है ना ये कैपिटल आर है। तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1.5 हो जाएगा, यानी अंदर वाले का जो रेडियस होगा 1.5 होगा, क्योंकि टोटल हमारा जो है 3 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस 1.5, और इधर भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, तो बाहर वाले का जो हमारा रेडियस होगा 1.5 प्लस हमारे पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको कैपिटल आर लिख रहा हूँ बाहर वाले रेडियस को, तो ये हमारा 1.5 प्लस 1 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होगा। आप लोग यहाँ पर कैपिटल आर के पहले यहाँ पर एक
एक्सटर्नल रेडियस, इस टाइप से एक वर्ड लिख देना। उसी तरीके से इंटरनल रेडियस जिसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये सिंपल 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वही लिख दो आप लोग, 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस में 1.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कटपिट तो हो नहीं रहा है, इसको अभी ऐसी एज इट इज रहने देते हैं। अंदर में देखते हैं हमारे पास कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, तो बिल्कुल ये हो रहा है सॉल्व। यहाँ से हमारा ये 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो हमारे पास ये 2.5 है, तो यहाँ पर अगर 2.5 × 2.5 होगा तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा ना, तो राइट साइड से दो डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो। उसी तरीके से 1.5 का कितना होता है हमारा, 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2.25। ठीक है, इस तरीके से शायद आपको अच्छे से दिख रहा है ना। बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अब ये हो जाएगा हमारा 22/7 × 100, 6 पॉइंट, यानी कि 25 में से 2.25 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 कर दो। अब हमारा कुछ कटपिट हो रहा है क्या, कुछ कट अभी भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको इतना ही रहने देंगे। ये हमारा क्या में निकला है, सेंटीमीटर का क्यूब में निकला हुआ है, ये हमारे यहाँ से वॉल्यूम निकल गया इस पाइप का, यानी कि पाइप के हॉलो पार्ट जो है ना उसको छोड़ करके अगर हम लोग मटेरियल पार्ट देखें तो ये उसका वॉल्यूम निकल करके आ गया है। अब हम लोग इसका वेट निकालेंगे, तो अपने को बोला था ना कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब का जो वेट है वो कितना दिया हुआ था, 21 ग्राम दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर सॉरी टोटल वेट निकालना है, तो यहाँ पर आप लिखो टोटल वेट इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये जो है हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर का क्यूब, तो हम लोग इसको पहले उतार लेंगे। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके नहीं लिख रहा हूँ, ताकि अगर कटपीट हो कहीं पर तो हम लोग का काम आसान हो जाए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 21 ग्राम से, लेकिन फिर हमारा ये ग्राम में आंसर आएगा, लास्ट में हमको फिर केजी में निकालना पड़ेगा अलग से, तो हम लोग क्या करते हैं यहीं पर इसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 21 ग्राम, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं 21/1000 kg, क्योंकि हम जानते हैं ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो नीचे में 1000 लगाना पड़ता है, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो यहाँ भी नीचे में आप लोग 1000 लिख दो। ओके, अब हमारा ये कट हो रहा है, 7 × 7, 7 × 3 = 21, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा कुछ नहीं, ये 22 का मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 264 kg आ जाएगा, लेकिन नीचे में एक 10 भी बचा हुआ है ना, तो उसके वजह से हमारा राइट साइड से 1 डिजिट के ऊपर यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी 26.4 kg जो होगा यही वेट होगा इस पाइप का। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, केवल आपको इसका वॉल्यूम निकालना है मटेरियल का, क्योंकि हमारा हॉलो पाइप है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल वाले वॉल्यूम से इंटरनल वाले वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तब अपने को मटेरियल का वॉल्यूम पता चलेगा, और जो मटेरियल का वॉल्यूम रहेगा उससे आप वेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो टोटल वेट है वो निकल करके आ जाएगा। और चूंकि वेट ग्राम में दिया था तो हमने इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड दिया है, और कुछ नहीं है। चलिए अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम उसी टाइप से बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब था जो दोनों साइड से खुला हुआ है, दोनों एंड से, और ये जो है मेटल से बना हुआ है, जैसे हमारा ढक्कन है ना, ढक्कन बस एक साइड से खुला है, वो हमारे दोनों साइड से खुला था, यानी पाइप की तरह वो भी था। इसका जो इंटरनल डायमीटर है ट्यूब का वो 10.4 सेंटीमीटर है, पिछले बार उस चीज को हमें क्या बोला था, कोर बोला था ना, कहाँ गया ये, बोर बोला था सॉरी, कि जो अंदर का खाली जगह उसको बोर वर्ड यूज किया था, यहाँ पर अपने वो डायरेक्ट बता दे रहा है कि जो अंदर का डायमीटर है वो 10.4 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 5.2 हो जाएगा इसका आधा, और उसका जो लेंथ है ना उस पाइप का, या फिर कल उस ट्यूब का, वो हमारा 25 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ थिकनेस भी बता दिया है मेटल का, वो है 8 मिलीमीटर एवरीवेयर, यानी कि ये जो मोटाई है ये वाला पार्ट है ना, जिसको मैं यहाँ से यहाँ तक बोलता हूँ, भी आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, ये हमारा 8.8 मिलीमीटर बोला जा रहा है। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम जो होगा मेटल का वो कितना होगा, तो मेटल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वही एक्सटर्नल वाले रेट क्या बोलते हैं वॉल्यूम से इंटरनल वाले खाली वाले पार्ट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो मेटल का वॉल्यूम निकल जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ भी हमने डायग्राम बना लिया है, जल्दी समझो, ये जो डायमीटर हमारे पास अंदर का वो 8.4 है, यानी खाली वाला पार्ट 8.4 सेंटीमीटर का है, तो उसका जो अंदर वाला रेडियस होगा वो 5.2 हो जाएगा, जो कि मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर। जो थिकनेस बोल रहा था हमें ना, यानी ये पाइप मटेरियल ये वाला पार्ट, तो ये हमारे पास 8 मिलीमीटर दिया हुआ था, तो हम उसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 10 से डिवाइड दोगे तो 0.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इससे एक फायदा भी हो जा रहा है कि हमारा जो अंदर का रेडियस 5.2 है यहाँ से यहाँ तक, और अगर अपन बाहर तक देखें यहाँ से यहाँ तक देखें, तो 5.2 में अपने को 0.8 ऐड करना पड़ेगा, हमारा टोटल जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो बाहर का रेडियस हमारा होल नंबर में आ गया, अच्छी बात है। ये हाइट हमें 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था, आपको पता ही है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर एच में से हम लोग माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, है ना, स्मॉल आर यानी कि इंटरनल रेडियस, यहां पे लिख भी लोगे इसमें कैपिटल आर यानी कि एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, तो पाई दोनों में से कॉमन मिल रहा है, एच कॉमन मिल रहा है, फिर यहां पर वही करेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा पाई यानी कि 22/7, या फिर अभी कट तो होगा नहीं ये हमारा, तो इसको हम लोग पाई और एच ही लिखते हैं, ये शॉर्टकट लिखना ज्यादा आसान है, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं फिर इसका वैल्यू को पुट करेंगे। तो आर का स्क्वायर यानी हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर यानी कि 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर सभी को पता है 36 होता है,
ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो 52 का स्क्वायर है जब हम निकालोगे ना तो 2704 आएगा, इतना ही आना चाहिए, हाँ इतना ही आएगा। तो 2704 आ जाएगा आपका 52 का स्क्वायर, लेकिन हमारे पास यहाँ पर चूंकि दो डिजिट होगा 5.2 फिर मल्टीप्लाई 5.2 होगा, तो यहाँ पर भी डेसिमल यहाँ भी डेसिमल, तो राइट साइड से दो डिजिट बट आप लोग को डेसिमल लगाना पड़ेगा। अब इसको माइनस करके हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। तो 36 में से माइनस करना है 27.04, तो हम 36 के आगे दो जीरो भी लगा देंगे डेसिमल के बाद, क्योंकि ये रूल है हमारा, डायरेक्ट हम लोग माइनस नहीं कर सकते। और यहाँ से माइनस कर दो 27.04, तो ये 10 में से 4 माइनस होकर क्या आ जाएगा हमारा 6, यहाँ 9 बचेगा। ये सब तो जानते ही हो ना, अगर ये भी नहीं जानते हो तो बता देना, मैं आपको अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा कि हम लोग डेसिमल और नंबर्स को कैसे माइनस करते हैं। 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 आ जाएगा, ये इधर बोरो दे चुका है इसलिए 5 बचेगा, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो 1 इसे लेकर के खुद को 15 बना लेगा, और 15 में से हमारा 7 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा, यानी 8.96 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 हो गया। तो ये अब हम लोग इसका ब्रैकेट को खोलते हैं। पाई की जगह मैं 22/7 लिखता हूँ, हाइट हमारे पास 25 सेंटीमीटर है, इन दोनों को सॉल्व किए तो हमारा 8.96 आ गया। अब हमारा ये देखो पूरा पूरा कट हो रहा है, कैसे कट हो रहा है, 7 × 7 ऊपर में भी 7 × 7 हो जाएगा, उसके बाद अब हमारे पास 1 बचा, वो 1 आगे जा करके इसको 19 बना देगा, तो 7 × 2 जो हमारा 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने डेसिमल नंबर चुकी लिया है इसलिए पहले डेसिमल लगा लेंगे, ओके। 14 में से अब हमारा 19 में से 14 कट हुआ बचा 5, तो यहाँ पर 5 आगे जाकर इसको 56 बना लेगा, तो 7 × 8 जो हमारा 56 हो जाएगा। तो बचा क्या, 22 × 25 × 100 सॉरी 1.28 आ गया। तो जब आप इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर वो इतना आएगा 70400, लेकिन यहाँ पर हमारे पास चूंकि डेसिमल है, डेसिमल के बाद दो डिजिट है, तो राइट साइड से आप दो डिजिट पर डेसिमल लगा दोगे तो ये हमारा कंप्लीट आंसर 704 बन जाएगा, और सभी सेंटीमीटर में थे और हमने वॉल्यूम निकाला है तो ये सेंटीमीटर के क्यूब में निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, मैंने वही मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट्स को स्किप किया है ताकि आपका वीडियो जो है क्या बोलते हैं ज्यादा लेंथी ना हो और आप बोर ना हो जाए, तो अभी मैं मल्टीप्लाई करने बैठूंगा ना तो वीडियो थोड़ा सा फालतू में लेंथी हो जाएगा, इसलिए वो सब काम मैं पहले ही कर लिए रहता हूँ, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसको बहुत ही घुमा करके बोला गया है, लेकिन बहुत ही सिंपल से इसका मतलब है, मैं ये मेरे समझाता हूँ। इसमें बोल रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड, जरूरत पड़ती है टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए, ध्यान रखना यहाँ पर क्लोज बोला है यानी कि वो जो टैंक है सिलेंडर के शेप में है इस तरीके से, और इधर से भी क्लोज है और इधर से भी क्लोज है, ध्यान रखना इस चीज को बोल रहे हैं यहाँ पर, ओके। तो एक क्लोज सिलेंडर टैंक को बनाने के लिए जिसकी हाइट 1 मीटर और बेस डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल सीट, यानी मेटल सीट का 1 मीटर हाइट और डायमीटर जो है 140 सेंटीमीटर लगता है एक क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए, क्लोज सिलेंडर का टैंक को, तो बताइए हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सेम, यानी कि इसी चीज को बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर शीट का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पर अपने को शीट का जो है हाइट और वो अपने को क्या बोलते हैं डायमीटर दे दिया गया है कि इतना शीट का हाइट और डायमीटर से हमारा क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बन जाता है, लेकिन बोल रहा है कितने स्क्वायर मीटर लग रहे हैं, आपको इस शीट का टोटल एरिया बताना है। तो यहाँ पर चूंकि हमारा ये सिलेंडर जो है वो क्लोज है, तो हम लोग को अगर इसको बनाना रहेगा किसी क्या बोलते हैं शीट से, तो हम लोग क्या करेंगे साइड साइड का ऐसा कर्व वाला एरिया बनाएंगे, फिर ऊपर भी पैक करेंगे उस शीट से और नीचे भी पैक करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा इसका हम लोग को टोटल सर्फेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी टोटल सर्फेस एरिया हम लोग यूज कर रहे हैं ना इस टैंक को बनाने के लिए, तो हम लोग वही करने वाले हैं, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि वो बाहर बाहर लगेगा, वो जो सीट है वो बाहर लगेगा, अंदर तो घुसेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग को इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बस उसका फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने इसका हाइट लिख लिया जो कि 1 मीटर दिया हुआ है और जो डायमीटर है वो 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 2πRH, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस में ऊपर और नीचे का जो हमारा क्लोज पार्ट होता है सर्कल वाले शेप में, उसके लिए हम लोग πR का स्क्वायर लगाएंगे, और चूंकि दो क्लोज पार्ट होते हैं इसलिए 2πR का स्क्वायर लग जाता है ना, ये फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको पहले ही बहुत बार समझा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और π दोनों में है तो 2π निकाल दो, r भी दोनों में है यहाँ भी तो r निकाल दो, यहाँ से h बच जाएगा और इधर से एक आर बच जाएगा, तो 2πR H प्लस R जो है हमारा इसका जो कह लो सिंप्लीफाई फॉर्मूला है वो बन जाएगा, ओके। अब अपने को जो क्या बोलते हैं सीट का एरिया निकालने के बोला है ना, वो मीटर के स्क्वायर में बोला है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स बोल रहा है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इसको यहीं पर मीटर में सॉल्व कर दें या तो सेंटीमीटर में सॉल्व करने के बाद इसको मीटर में कन्वर्ट कर दें। अगर आप इसको यहाँ पर मीटर में सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पहले तो सॉल्विंग जो होगा ना वो डेसिमल में होगा और फिर बाद में आपका आंसर जो है वो कंप्लीट आएगा मीटर में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि डेसिमल में कोशिश करो कि ना ही सॉल्व करना पड़े, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, बस डिवाइड करना रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्ट यहीं पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाइट हमारा हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में दिया ही हुआ है, तो ये बन जाएगा 2 × π की जगह 22/7,
जो रेडियस है, देखो डायमीटर हमारा 140 सेंटीमीटर है, तो रेडियस यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 140 डिवाइड बाई 2, उसके बाद यहाँ पर ये 70 लिख लेना अलग अलग, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 70, अंदर में हमारे पास जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर और रेडियस 70 सेंटीमीटर, ये कट हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। हमारा बचा 2 इंटू 22 इंटू में 10 और इंटू यहाँ पर लगेगा और ये हमारा हो जाएगा 170। अब सभी का आपस से आप मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका जो आंसर आएगा, कहाँ गया मेरा कॉपी, ये रहा मैंने लिखा आंसर, आपको हो जाएगा 474800, ठीक है, क्योंकि ये वाला जीरो और ये जीरो उतर जाएगा। मैंने क्या किया, डायरेक्ट 22 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया, 44 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 748 आ जाएगा, और ये दो जीरो इन दोनों को उतार दो यहाँ पर। अब ये हमारा है सेंटीमीटर के स्क्वायर में, अपने को मीटर के स्क्वायर में निकालना था, तो जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसी तरीके से 1 मीटर के स्क्वायर में, जैसे यहाँ दो जीरो है ना, तो इधर हमारा स्क्वायर हो गया तो इधर भी दो जीरो और बढ़ा दो, 4 जीरो हो जाएंगे, 10,000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 1 मीटर के क्यूब में हमारा 6 जीरो बढ़ा दो यहाँ पर, यानी टोटल इसका 2, फिर दूसरे वाले का 2 और फिर तीसरे वाले के लिए 2, इस तरीके से। मैंने इसको आपको पहले भी सॉल्व करके बताया है कि 1 मीटर के क्यूब में यहाँ पर हमारे पास 10 लाख सेंटीमीटर का क्यूब क्यों होता है ना, तो इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर में बदल जाएगा और ये क्यूब में बदल जाएगा। तो अगर हमको इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हम लोग को स्क्वायर सेंटीमीटर में है ना, तो 10,000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 74800 डिवाइड बाई 10,000 कर दो डायरेक्ट यहाँ पर। अब ये बन गया हमारा मीटर के स्क्वायर में, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इन दोनों की वजह से डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, तो 7.48 मीटर के स्क्वायर जो है हमको सीट की जरूरत पड़ेगी उस सिलेंड्रिकल को बनाने के लिए, उस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करो, यहीं पर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, डायमीटर जो होगा हमारा, रेडियस जो होगा वो 0.7 मीटर आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर 0.7 वगैरह पुट करके और हाइट की जगह में 1 लिख करके, वैसे भी सॉल्व करोगे तो आसान है, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर सेंटीमीटर में सॉल्व करता हूँ फिर लास्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक जूस सेलर है, जूस बेचने वाला, उसके पास एक बड़ा सा बर्तन है सिलेंड्रिकल शेप में, जिसका जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है और उसमें जो जूस भरा हुआ है तो जूस की जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर तक भरी हुई है उस बर्तन में, है ना, ये ऑरेंज जूस है। अब क्या बोल रहा है कि जो जूस है उसको वो फिल करता है छोटे छोटे ग्लासेस में, जो कि सिलेंडर के शेप में उन लोग भी है, और उनका जो रेडियस है ग्लास का वो 3 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब एक गिलास को वो 15 रुपये में बेचता है, तो बताइए वो अगर पूरा जूस को बेच दे ये बड़े वाले बर्तन का, तो उसको जो है ना कितना रुपीस मिलेगा कम्प्लीटली बेचने के बाद, कितना मनी वो गेन करेगा या फिर कह लो पैसा कमाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन को अगर आप एक बार सॉल्व करना सीख जाओ ना तो बहुत मजा आता है, और क्लास 10 में इस टाइप से बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखो बड़े वाले बर्तन से छोटे बर्तन में जूस जा रहा है ना, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नहीं तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा शायद। तो देखो यहाँ पर आप लोग पहले से कॉन्सेप्ट समझो जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि जो हमारा बड़ा वाला बर्तन है उसमें मान लो यहाँ पर 20 लीटर जूस है। मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ एकदम बच्चों की तरह, उसको समझो आप लोग कि बड़े वाले बर्तन का जो वॉल्यूम है अगर लीटर में देखें तो 20 लीटर है मान लेते हैं, और हमसे ये बोला जाता कि आपका जो छोटा वाला गिलास है ना वो 2-2 लीटर का है, तो बताइए टोटल वहाँ पर कितने गिलास भरे जाएंगे, क्योंकि हमको वहाँ पर टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल उसका कमाई बताना है। तो हमको अगर ये पता चल जाए, जैसे उसने बोल दिया है कि एक गिलास का 15 रुपये लग रहा है, तो अगर अपने को पता चल जाए कितने गिलास वो बन रहा है उसका जूस छोटे छोटे गिलास में, तो हम लोग उसका 15 रुपये से 15 रुपये से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं टोटल उसका जो पैसा मिलने वाला है उसको, है ना। तो हमको मेन यहाँ पर पता करना है कि कितने ग्लासेस बनेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसका एक फॉर्मूला है जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कि मान लो कि पूरा जो जूस है वो 20 लीटर है और जो गिलास है वो 2-2 लीटर का है, तो आप ही बताओ यहाँ पर टोटल कितने गिलास बनेंगे 2-2 लीटर के। तो आप लोग आराम से बता दोगे सर 2-2 करके हमारे पास टोटल 10 गिलास बनेगा, तब जाकर के 20 लीटर होगा। तो ये जो 10 आपने भी दिमाग में निकाला है, अगर इसको मैं बोलूँ कि मैथ के टर्म में निकाल करके दिखाओ इन दोनों का यूज करके, तो आप कैसे निकालोगे, आप इसका वॉल्यूम को बड़े वाले कंटेनर का जो वॉल्यूम है 20 लीटर उसको डिवाइड दे दोगे छोटे वाले ग्लास के वॉल्यूम से, तो भी आपका आ जाएगा टोटल 10 गिलास। इस तरीके से आप निकाल करके दिखा सकते हो कि सर इसको डिवाइड देना रहेगा। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, अगर आपको ये जानना है कि कितने ग्लास बनने वाले हैं, तो नंबर ऑफ ग्लास के लिए आप कुछ नहीं कीजिएगा, सिंपली वॉल्यूम ऑफ जो लार्ज वाला हमारा बड़ा क्या बोलते हैं बड़ा बर्तन है ना, कंटेनर या जो भी लिखना चाहो, मैं यहाँ पर लार्ज वेसल लिख देता हूँ, ठीक है, इसको आप डिवाइड दे दीजिए वॉल्यूम ऑफ, ओहो क्या लिख रहा हूँ भाई मैं, ग्लास से, ठीक है, छोटे छोटे जो ग्लास है उसके वॉल्यूम से डिवाइड दे दीजिए। अब आप बोलोगे सर इसमें तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बहुत टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन का यही खासियत है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता, केवल आपको बस फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों को केवल आपको डिवाइड देना है, और डिवाइड क्यों देना ये भी मैंने आपको समझा दिया, इसको आप रटिएगा नहीं क्योंकि आगे चलकर ये बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ वेसल का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा पाई
आर का स्क्वायर एच, यहाँ पर देखो हम लोग जो है बड़ा वाला जो हमारा बर्तन है उसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं और उसकी हाइट को हम लोग कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं। जो ग्लास है छोटे छोटे उनके रेडियस को स्मॉल आर और उनकी हाइट को स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे में भी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो गया। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल, तो आर का स्क्वायर है, तो आर हमारे पास कितना है भैया, आर हमारे पास है 15, तो 15 × 15 कर दो, और मल्टीप्लाई में एच हमारे पास कितना भैया, तो 32 है, तो 32 कर दो, नीचे में आर स्क्वायर एच फिर से है, तो वही 3 × 3 हो जाएगा, और इसका एच का कितना है भैया, तो 8 है, तो अब इसको कट करते हैं, 8 हमारा 8 × 4 हो जाएगा 32, नीचे 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, अब यहाँ पर हो जाएगा 5 × 4 = 20, 25 हो जाएगा हमारा 100, यानी टोटल वहाँ पर 100 ग्लासेस बनने वाले हैं। देखो कितना आसानी से निकल गया ये नंबर ऑफ ग्लास, और मेन यही तो निकालना था अपने को, वहाँ पर पता है कि 1 ग्लास का उसको कितना रुपये मिल रहा है भैया, तो मिल रहा है उसको 15 रुपीज़, तो यहाँ पर टोटल जो मनी मिलने वाला है उसको, टोटल मनी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 का जो हमारे पास वैल्यू है 15 रुपी, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 ग्लास से, 1 ग्लास का 15 है तो 100 ग्लास का कितना होगा, 15 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो बस बढ़ जाएगा, यानी 1500 रुपी वो घर लेकर के जाएगा उतना जूस को वो बेचने के बाद। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, अगर कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए अगले एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसी टाइप से क्वेश्चन है या कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये 24 की तरह तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ये भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आइए मैं समझाता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। एक कुआं है जिसके अंदर की जो डायमीटर है ना, जो खाली वाली पार्ट की डायमीटर है वो दी हुई है 10 मीटर, उसको डग किया गया, कोड़ा गया 8.4 मीटर तक अंदर, गहराई जो है उस कुआं की है ना, या कह लो जो इसकी हाइट है, डीप का मतलब उसका गहराई, और गहराई को हम लोग हाइट कहते हैं, वो 8.4 मीटर है। जो अर्थ निकल रहा है उस कुआं को कोड़ने के बाद, इतना जब कोड़े तो मिट्टी तो निकलेगा ही ना, तो उस मिट्टी को क्या किया गया, फैला दिया गया चारों तरफ, और जो फैलाया गया उसकी जो विड्थ थी वो 7.5 मीटर थी। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा यह क्या बोल रहा है। टू फॉर्म एन एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को घेरते हैं ना जब हम लोग, ताकि वहाँ से क्या बोलते हैं चीज़ें फैले ना, उसको एम्बैकमेंट बोला जाता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर छोटे छोटे कुछ दानों को रखूंगा, मान लो जैसे कि चावल के दाने मैं रख रहा हूँ, अब वो इधर उधर फैलने लगेगा, तो मैं क्या करूँगा अपने इसको सेलो टेप को यहाँ पर रख दूंगा, ताकि दाना जो है इधर उधर फैले ना, गिरे मत इधर उधर, तो ये उसके लिए एम्बैकमेंट का काम करेगा। उसी तरीके से जब कुआं कोड़ा जाता है, आप लोग कुआं देखे होगा अगर गाँव में, तो उसके चारों तरफ एक मोटा सा दीवार टाइप से बना दिया जाता है, ताकि हम लोग को लगता है कि बच्चा गिरे ना, है ना, या फिर हम लोग उसके सुरक्षा के लिए एक तरह से बनाते हैं, तो उसको ही कहा जाता है एम्बैकमेंट। मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा, चिंता मत करो। हमसे बोल रहा है कि जो हाइट है एम्बैकमेंट की ना, बताइए वो कितनी है। तो अभी तो आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, इसका हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो देखो चीज़ों को पहले आप डायग्राम के थ्रू समझो, फिर मैं आपको लिख करके समझाऊंगा। यहाँ पर हमसे बोल रहा था कि एक कुआं है जिसकी जो डायमीटर है अंदर वाली वो 10 मीटर है, इसकी हाइट जो है वो 8.4 मीटर है। इस कुआं को जब कोड़ा गया 8.4 मीटर, जो मिट्टी निकला है उसको ही चारों साइड फैला दिया गया, इस तरीके से फैलाया जाता है, ठीक है, ये जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ना वो मिट्टी समझ लो आप लोग, और ये मिट्टी से एम्बैकमेंट बनाया गया है एक तरह से, ताकि कुआं में कोई गिरे ना। ओके, ये जो एम्बैकमेंट है इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थनेस है वो 7.5 मीटर है। हमसे बोल रहा है कि ये जो हमारा मिट्टी है ना, ये कितना, इसकी जो हाइट होगी इस एम्बैकमेंट की वो कितनी होगी ये बताइए। तो हाइट हम लोग कैसे निकालें, तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो कुआं के अंदर से जो मिट्टी निकल रहा है वो मिट्टी का जो वॉल्यूम रहेगा और जो एम्बैकमेंट बना है उसका वॉल्यूम रहेगा, दोनों तो सेम ही रहेंगे ना, ये लगभग लगभग सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ से जो जूस निकल रहा था यही तो ग्लास में भर रहा था ना, तो दोनों का वॉल्यूम क्या था, आपस में सेम था। सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो कुआं से मिट्टी निकल रहा है उसी से एम्बैकमेंट बन रहा है, तो एम्बैकमेंट का जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम, और ये जो कुएं का वॉल्यूम होगा वो दोनों तो आपस में बराबर होंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, कुएं का जो वॉल्यूम है वो इक्वल है वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट, ठीक है, जो भी स्पेलिंग होगा देख लेना, मैं सही गलत कुछ भी लिख देता हूँ कई बार। तो एम्बैकमेंट जो है हमारा, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसके अंदर से ही तो मिट्टी निकल रहा है और उसी से तो इसको बनाया जा रहा है, तो दोनों मिट्टी, यहाँ पर जो मिट्टी निकला और इसका जो मिट्टी लगेगा इसमें बनाने में, दोनों इक्वल होंगे। अब हम लोग कुएं का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुएं का वॉल्यूम निकालेंगे तो हम लोग सिंपल पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे, ये वाला कुएं का वॉल्यूम, ठीक है। और इधर हमारे पास जो एम्बैकमेंट है उसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाए, तो एम्बैकमेंट यानी कि ये वाला पार्ट का केवल वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा कंप्लीट, पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो रेडियस निकल रहा है ना वो कितना निकल रहा है, हाइट तो अपने को इसकी पता है नहीं, लेकिन जो इसका रेडियस है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखेंगे,
कि ये वाला जो है हमारा लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये रेडियस हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर का, आधा हो जाएगा 5 मीटर, और उस 5 मीटर में हम लोग ये जो 7.5 मीटर है इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो कंप्लीट रेडियस है वो निकल जाएगा। तो हम लोग कंप्लीट वाले रेडियस को मान लेते हैं ये हमारा कैपिटल आर होगा। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास ये डायरेक्ट हम लोग इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते ना, हम लोग को तो केवल यहाँ से इतने वाले पार्ट का केवल वॉल्यूम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कैपिटल आर में से हम लोग ये वाला जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो पूरा हमारा कितना निकल जा रहा है, पूरा हमारा निकल जा रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये हो गया 5 सेंटीमीटर है ना। इसको आप लोग लेकिन लिखना भी पड़ेगा ना एग्जाम में, रुको मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ कैसे आप लोग लिखोगे इसको स्मॉल आर और कैपिटल आर, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा नहीं तो ऐसे डायरेक्ट अगर मैं सॉल्व करो वैसे करोगे ना तो कंफ्यूज हो सकते हो। वैसे तो आपके टीचर इसको कराएंगे, मुझे पता है पूरा सिस्टमेटिक आपको कराएंगे, मुझे केवल कॉन्सेप्ट समझाना है, फिर थोड़ा मोड़ा तो लिखना पड़ेगा ना। तो इसको आप लोग यहाँ पर स्मॉल आर मान लो, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है वेल का, तो ये वाला जो आर है और इसका जो आर है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो स्मॉल आर का वैल्यू जो होगा वो 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, जो यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी है टोटल इसको हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर प्लस 7.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं था, अरे मीटर में था अभी, है ना। तो 5 मीटर और 7.5 मीटर मिला दोगे तो आ जाएगा आपका 12.5 मीटर। तो कैपिटल आर जो होगा वो 12.5 मीटर आ गया। अपने को उसके बीच वाला पार्ट केवल निकालना है, इसका केवल वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल आर में से स्मॉल आर कर देंगे माइनस, तो हमारा जो है ये बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा। इसके लिए आपको ऐसे फॉर्मूला बनेगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दो आप लोग स्मॉल आर का स्क्वायर, और इसकी हाइट को हम लोग ले लेंगे। देखो इसका जो वेल का हाइट है उसको हमने स्मॉल एच लिया है ना, तो इधर आप लोग कैपिटल एच ले सकते हो, या फिर इसको कैपिटल एच कर दो और इसको स्मॉल एच कर दो, क्योंकि इसकी हाइट तो ज़्यादा होगी, इसकी हाइट मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस क्या बोलते हैं एम्बैकमेंट के वॉल्यूम को निकालने के लिए। ये फॉर्मूला फिर से एक बार समझ लो, क्योंकि ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला हमको पता ही है। लेकिन इसका जो रेडियस है ना वो एकदम अलग सा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कंप्लीट वाले रेडियस में से माइनस कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक के रेडियस को, तो अपने को ये वाला जो पार्ट है ये पता चल जाएगा। इसलिए इसको लिखा जाता है आर का स्क्वायर, यानी कैपिटल आर का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, उसमें से स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा। अब बस आपको इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो इधर भी पाई है कैंसिल कर दो, पाई को इधर ट्रांसफर करोगे तो वो डिवाइड में आएगा, कट होगा ही, ठीक है। बाकी चीज़ों को हमको निकालना है तो हम लोग बाकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ आर का स्क्वायर एच है तो रेडियस हमारे पास कितनी है, फाइव है, तो फाइव का स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट कितना है, तो 8.4 है, तो 8.4 हो गया, ठीक है। इक्वल के साइड इधर हमारे पास कैपिटल आर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर, माइनस में हमारे पास स्मॉल आर का स्क्वायर है तो यहाँ वही 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास ये जो एच है ये एज इट इज उतर जाएगा, क्योंकि इसका ही अपने को वैल्यू निकालना है। अब मैं यहाँ पर इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे इसका जो होगा हमारा 25 आ जाएगा इंटू में 8.4 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे यानी 125 का जब स्क्वायर देखोगे तो वो होता है 15625, ये होता है 125 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वन डिजिट है, दूसरे वाले 12.5 में भी वन डिजिट रहेगा, तो टोटल टू डिजिट के बाद यहाँ पर आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, माइनस कर दो उसमें से 25 को, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 25 लिख देता हूँ, इनटू में एच कर देता हूँ, इसको माइनस करके फिर इधर ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, चाहे तो आप अभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप इसको ट्रांसफर करने के बाद भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर देता हूँ। वैसे तो मैंने ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई किया है, पूरा कटपीट कर रखा है मैंने, फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि ऐसे में शायद ज़्यादा आसान पड़े। मैं इसको 25 × 8.4 रहने देता हूँ, है ना, उसके बाद मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ माइनस करके। तो 156 में से 25 माइनस होगा तो कितना आएगा, 56 में से 25 माइनस होगा तो हमारा जाएगा 31, यानी 131.25 आ गया, ठीक है। और इक्वल के साइड में केवल हमारे पास जो कैपिटल एच है वो बच जाएगा, और अपने की उस कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हमारे पास डेसिमल है, नीचे में हमारे पास दो डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद दो डिजिट है और ऊपर में एक डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 100 से कर देंगे, क्योंकि रूल है कि अगर आप नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये ऊपर में हमारे पास 25 × ये मेरा पूरा पूरा 84 हो जाएगा एक जीरो की वजह से, और दूसरा जीरो बच जाएगा, तो उसके बदले में मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। चीज़ों को जितना छोटा लिखेंगे हो सकता है उतनी आसानी से वो सॉल्व हो जाए। उसी तरीके से इधर हमारे पास ये पूरा पूरा 13125 बन जाएगा, और ये जो दो जीरो है उसकी वजह से डेसिमल हमारा बाहर निकल जाएगा। अब कटपिट करना शुरू करते हैं। तो चूंकि मेरे को लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा बड़े नंबर से अगर मैं कट करूँ तो मुझे दिक्कत होगा, यहाँ पर 4 टाइम पे हमारा 100 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना यहाँ पर से 6 बचेगा ना, 25 से कट करने की कोशिश करें क्या, चलो तो करते हैं। 25 × 25 हो जाएगा, नीचे भी 25 × 4 = 100 आ गया, बचेगा हमारे, नहीं यार 25 × 5 = हो जाएगा हमारे पास 125, 131 में से 25 माइनस हुआ तो बचेगा 6, वो 6 आगे जाकर के इसको 62 बना देगा। ओके, तो अब ये फिर से मेरा 25 × 2 = हो जाएगा हमारे पास 50, 62 में से 50 कट हुआ, बचा हमारे पास 12, वो 12 आगे जाकर किसको 125 बना देगा, तो फिर से 5 टाइम पे 125 आ गया। चलो बहुत अच्छा किया था 25 से कट करके, ये हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब मेरा किससे कट हो रहा है भाई, ये भी 5 से कट हो रहा है, ये भी 5 से कट हो रहा है, मैं 5 से कट करने की कोशिश करता हूँ।
हूँ, 5 2 10 हो गया, यहाँ पर 5 1 5, 2 0 यानी 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो 0 लगा करके 5 5 जा हो जाएगा हमारे पास 105, है ना, यानी कि 5 5 जा 25 हो गया, तो ये टोटल 105 बन गया। अब हमारा किसे कट हो रहा है, 8 और 4 12 होता है ना, और ये हमारा हो जाएगा 5 और 1 6, यानी ये भी हमारा दोनों 3 से कट हो रहा है, 3 से कट कर लेता हूँ मैं, 3 2 जा 6 हो गया, उसके बाद 1 आगे जाएगा तो सॉरी 2 आगे जाएगा तो ये बन जाएगा 24, तो 3 8 जा हो गया हमारे पास, मैं क्या कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, हाँ 3 8 जा 24 हो गया। चलो ठीक है, छोटे नंबर से भी कट कर लेना चाहिए कभी कभी, छोटे नंबर को भी याद कर लेना चाहिए, यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 3 5 जा 15 हो गया, दोनों हमारे 7 से कट हो रहे हैं, 7 4 जा 7 5 जा, अब कट हो रहा है क्या, अभी तो कट नहीं हो रहा है, 4 2 जा 8 हो जाएगा और नीचे में हमारे पास 5 बच जाएगा, अब 8 को 5 से आप डिवाइड दे दो साइड में कहीं जा करके खोपचे में, इस टाइप से 5 1 जा 5 हो गया, बचेगा हमारे पास 3, डेसिमल लगा करके 0 बढ़ा दो तो 5 6 जा हो जाएगा 30, और पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको कट करने के बाद या डिवाइड देने के बाद हमारा 1.6 आ रहा है, और ये सभी चीज़ें मीटर में थी तो ये भी मीटर में आएगा, इसका मतलब कि जो इसका हाइट होगा ना ये 1.6 मीटर होगा। मैं इसको आपको एक बार फिर से इसलिए समझा देता हूँ ताकि आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहला चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान में देना है कि हमारा जो एम्बैकमेंट का हाइट बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम लोग ये समझ जाएंगे कि जो कुआं से मटेरियल निकलेगा, मिट्टी जो निकलेगा उसी से एम्बैकमेंट बनाया जा रहा है, यानी जो कुएं का वॉल्यूम होगा और जो एम्बैकमेंट का वॉल्यूम होगा दोनों सेम होंगे। तो कुएं का वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे, उसके बाद एम्बैकमेंट यानी ये वाला जो पार्ट है, ये हॉलो वाला पार्ट, ये मटेरियल वाला पार्ट, इसके लिए हम लोग पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर और एच लगा देंगे। ये वाला फॉर्मूला हमारा कहाँ से बन रहा है आपको समझ में आ रहा है, जो हमने आपको फॉर्मूला बनाया था ना हॉलो सिलेंडर का मटेरियल का फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, मैं आपको फॉर्मूला फिर समझाता हूँ। देखो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एच होता है, फिर माइनस करना रहता है हम लोग को पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, दोनों सेम सेम हो जाते हैं, तो पाई और एच कॉमन ले लिया हमने, बस आर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर बच गया, तो यही हमारा फॉर्मूला है ना, ये जो हमने डिटेल में आपको बताया था बस उसी को हमने यहाँ पर क्या किया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ये वाला पार्ट जो हमारा है इसका वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। अब हमारा ये जो वेल का वॉल्यूम है वो निकालने के लिए पाई और पाई तो पहले कैंसिल कर दो ताकि हमारा काम आसान हो जाए, छोटा जितना रहेगा उतना ही आसान रहेगा हमको सॉल्व करना। आर का स्क्वायर तो इस वेल का हमको डायमीटर दिया था 10 मीटर, तो इसका जो रेडियस होगा 5 मीटर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया, हाइट हो गई 8.4 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर बोलने की आदत हो गई है, मीटर में सारी चीज़ें, ठीक है, तो 8.4 मीटर हो गई। उसी तरीके से यहाँ पर आर का स्क्वायर हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास 5 मीटर है और ये जो विथनेस है वो 7.5 मीटर दिया हुआ है, तो 7.5 में इस 5 को प्लस कर दो तो 12.5 आ जाएगा, उसमें से माइनस कर दो अंदर वाला आर को जो कि है 5 मीटर, तो 5 के स्क्वायर को माइनस कर दिए, तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा आपका, मल्टीप्लाई वगैरह करके देख सकते हो आप लोग, फिर उसमें माइनस करना तो आपका आ जाएगा 131.25, और उसके आगे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कैसे हमने कट पिट किया सॉल्व किया, तो मेन इसी में टाइम लगता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, और आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है ना तो ये तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि शुरू वाला ही नहीं बनेगा, शुरू जब स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो एंड कहाँ से होगा, यहाँ पर एंड नहीं हो पाएगा आपका, तो इसीलिए आपको शुरुआत समझना है, बेसिक समझना है, आगे का खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा, आप क्लास 9 में पहुंच गए हो। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट वहां पर आप हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।